दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की शर्मनाक हार मिली। वेलिंगटन टेस्ट में खेले गए पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हार मिली थी, जबकि क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की। यही भारतीय टीम की टेस्ट चैंपियनशिप में पहली सीरीज हार है। भारत का क्लीन स्वीप करने के साथ ही कीवी टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर 5वें से 3रे स्थान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ सीरीज में 2-0 की धमाकेदार जीत से कुल 120 अंक हासिल किए हैं। जीत के साथ ही उन्हें चैंपियनशिप टेबल में अपने स्थान में बड़ा सुधार किया। 120 अंक गंवाने के बाद भारतीय टीम अब भी पहले स्थान पर बनी हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ी छलांग लगाई है। न्यूजीलैंड को मिले 120 अंक। भारतीय न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैच की सीरीज खेली गई। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ दोनों ही मुकाबले में एकतरफा जीत हासिल की। पहला मैच मेजबान टीम ने 10 विकेट से जीता, जबकि दूसरे मुकाबले में 7 विकेट की आसान जीत हासिल की। इस जीत से न्यूजीलैंड को जबरदस्त फायदा हुआ है और वह 180 अंक हासिल कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सीरीज शुरू होने से पहले 60 अंकों के साथ श्रीलंका के नीचे 6ठे नंबर पर था। सीरीज के दोनों ही मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद ही भारतीय टीम इस टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में टॉप पर चल रही है। भारत ने कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैच जीत हासिल करते हुए कुल 360 अंक जुटाए हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने 10 मैच खेले हैं और 7 जीत हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, जिसने 7 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि 4 मैच में उसे हार मिली है।